नईम अहमद जौनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नईम जी, बताएं आपको क्या दिक्कत। जी डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि आपकी दवा से तो हमको बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए हमने आपकी कई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरंजान सीधी वाला दवा, पेट वाली दवा और बीमार भूती वाली दवा और अदरक लहसुन का जूस भी बताते हैं आप उसको। तो अदरक और लहसुन के जूस से हमको इतना फायदा हुआ कि हमारी सब दवाएं बंद हो गई हैं। तो ये पूछना चाहे कि उसको हम लगातार पीते ना या बंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमको एक परेशानी ये है कि हमारा पेट सही नहीं रहता, हमको लेटरिन कभी सुबह होते ही नहीं, बहुत मुश्किल से बैठने के बाद घंटा दो घंटा आधा घंटा टूट जाते हैं। और एक चीज और डॉक्टर साहब, सुरंजान सीधी हुई दवा बताए थे हम आपका प्रोग्राम लगभग 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन अब आप उसमें एक चीज इजाफा कर दिए हैं, मोरंगा रिकोन क्या बता रहे हैं उसमें, तो हम लोग जो दवा बना के रखते हुए क्या ये दवा बेकार हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं जो नुस्खे जात बताता हूँ तो नुस्खे जात जो सवालात मेरे सामने आते हैं उनके मद्देनज़र उनकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर देता हूँ और कुछ दवाएं चेंज भी कर देता हूँ। अच्छा, दवाइयाँ सस्ती और महंगी आती हैं, मैं हमेशा सस्ती दवाइयाँ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया और तकरीबन 60 कमोबेश मेरी उम्र हो गई, तो मेरे जहन में ये आता है कि मैं अपनी मौत से पहले जो भी नुस्खे जात हैं आपको पहुंचा दूं। तो वो दवाई तो आपकी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन उसको और बेहतर अगर करना है तो उसमें मोरिंगा का गौंद आप डाल सकते हैं, और मोरिंगा का गौंद नकली बहुत मिलता है और बहुत मुबारक आपको फ़ायदा होता है। अगर आप उसमें मोरिंगा का गौंद मिला देंगे तो वो उससे 10-20-50 गुना ज़्यादा फ़ायदा करने लगेगी, लेकिन वो नकली बहुत मिलता है, संभाल के लेना। और काफ़ी महंगी दवाइयाँ जो मेरे जहन में हैं तो वो भी मैं आप लोगों पर जाहिर कर देना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद आप लोगों के पास वो महफूज हो जाए, और आप एक जैसे नुस्खा आप बनाते हैं सीखते हैं, ऐसे मेरे लाखों मोहब्बत करने वाले आप जैसे, तो कम से कम मैं आप तक पहुंचा दूं। अब जिसके पास जो सस्ती दवा बना सकता है वो सस्ती बनाए, जो महंगी बना सकता है वो महंगी, सबके हालात कम उबेश होते हैं, और दवा अगर कुछ महंगी होती है तो उसके असरात भी उसी तरह होते हैं। जैसे आजकल मैं कई दवाएं नई नई बता रहा हूँ, तो वो आपकी दवा ख़राब नहीं हुई, आप लेते रहिए और उसको अगर आप शामिल कर देंगे उसमें तो आपका पेट भी ठीक रहने लगेगा।